एक गांव में राजू और गोलू नाम का दो लड़का रहते थे। वो साथ में पढ़ने जाया किया करते थे और साथ में ही खेला करते थे और रोज़ शाम को जंगल में अपने जिम का प्रैक्टिस करने जाते थे। वो दोनों गहरा मित्र थे और दोनों का सपना था कि वो बॉडी बिल्डर बने और रोज़ रोज़ जाकर वो जंगल में प्रैक्टिस करते थे और बोलते थे, हमारा सपना एक दिन पूरा होगा। एक दिन राजू आता है अकेले और देखता है कि गोलू अभी तक नहीं आया है, तो राजू गोलू को फोन लगाता है और बोलता है, भाई तू कहाँ है, अभी तक नहीं आया। भाई मैं पास के गांव में आया हूँ, थोड़े ही देर में आ जाऊंगा। ठीक है भाई, तू जल्दी आ जाओ, गोलू बोलता है। ठीक है भाई। राजू अकेले ही प्रैक्टिस करने लगता है। थोड़े ही देर के बाद गोलू आता हुआ दिखाई देता है। राजू बोलता है, अरे भाई तू आ गया। हाँ भाई मैं आ गया, चलो मिलकर अब प्रैक्टिस करते हैं। तभी पीछे से एक भालू आता हुआ दिखाई देता है। गोलू डर जाता है और रोने लगता है। चलो भाई पेड़ पर चढ़ जाते हैं, राजू बोलकर भागकर पेड़ पर चढ़ जाता है और गोलू सोचता है कि क्या करूं। फिर उसके दिमाग में आइडिया आता है, वो मरे हुए के जैसा सो जाता है और भालू आकर उसे सूंघकर सोचता है कि ये मर गया है और भालू चला जाता है। भाई मित्रता उससे करो जो मरते दम तक साथ निभाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।